सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल नीड सुमन ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? खूब सो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ रिव्यू करने के लिए। एंड रिव्यू किस चीज़ का होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आज मेरे पास है दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है लैक्मी का ऑल इन वन पैनकेक। ऑल इन वन पैनकेक का मतलब होता है कि आपको फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट एंड कंसीलर आपको एक में ही मिल जाता है। बट बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे फेस पे पैनकेक लगाने के बाद कॉम्पैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लगा सकते हैं, वैसे इसमें नीड नहीं होती है। एंड सेकेंड यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है कलर बार का मेकअप स्टिक। दोनों ही फाउंडेशन है एंड मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊँगी कि इसको मैं हाफ़ फेस पे अप्लाई करूँगी एंड इसको मैं हाफ़ फेस पे अप्लाई करूँगी। तो देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को या वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम अप्लाई करते हैं। एंड इसके लिए पहले हमारा फेस जो है पूरा क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा अप्लाई होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। तो मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। मैं अभी लगा रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। आप चाहो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये दो प्रोडक्ट मेरे पास हैं जिसका मैं आपके साथ डेमो दे रही हूँ, और वो भी हाफ हाफ फेस पे। तो पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैंने लगाया हुआ था बट अभी थोड़ा और लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ही लगाएंगे। एंड रूम में मैंने अभी कोई लाइट ऑन नहीं की है, जो भी है नेचुरल लाइट है, ताकि आपको लगे नहीं कि फेक होगा। सो यहाँ पे आप चाहो तो हेयर बैंड भी लगा सकते हो, बट मैं हेयर बैंड भी लगा रही हूँ। सो यहाँ पे हम पहले इसको खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ये है पैनकेक, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी पहले नहीं जानती थी। तो ये पैनकेक आपका कुछ ऐसा रहता है, मैंने यूज़ किया हुआ है। और खुशबू लैक्मी का तो जो प्रोडक्ट होता है खुशबू ही बहुत अलग सी होती है, अच्छी होती है। सो यहाँ पे है मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर। एंड एक चीज़, ब्यूटी ब्लेंडर को जब भी आप यूज़ करें ना, इसको तो भिंगो की यूज़ करें, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं भिंगो लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको मैं भिंगो की मतलब अच्छे से मैंने पानी में डाल के निचोड़ लिया। जब भी आप फेस पे फाउंडेशन लगाएं तो जब आप उसको सेट करें तो ब्यूटी ब्लेंडर को आप पानी में डाल के एक बार निचोड़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पहले मैं अप्लाई करूँगी पैनकेक, हाथ से ही करूँगी मैं, एंड वो भी हाफ फेस पे। एंड ये लगा लिया मैंने। एंड हाफ फेस पे हम अप्लाई करेंगे मेकअप स्टिक। हाँ, इसका मैं आपको बता दूँ तो इसका शेड है वॉर्म बेम 003। और इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी अलग है, इतनी अच्छी खुशबू नहीं है। तो चलो इसको एंड इसको चाहो तो आप हाथ से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है ये हाथ से भी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये
ये मेकअप स्टिक को मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब ब्लेंड करते हैं हम इधर। ये नो स्किन के कारण आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। ये दो चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई है फेस पे, तो यहाँ लगा है ये और यहाँ लगा है ये। ओके, तो आपको कौन सा पसंद आता है? मेरे हिसाब से मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। देखो तो ये जो है ना आपको ज़्यादा कवरेज दे रहा है, ये थोड़ा सा लेस कवरेज दे रहा है मेकअप स्टिक, बट मेकअप स्टिक भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई पार्टी फंक्शन में जाना हो ना, रात की पार्टी फंक्शन हो, तो आप पैनकेक वाला ट्राई करें, एंड अगर आपके दिन का हो तो आप ये करें। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको एकदम जेन्युइन वाला रिव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें, मेकअप स्टिक करें, पैन केक, तो आप फेस को अच्छे से पहले क्लीन करें, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, तभी करें, एंड ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा आप निचोड़ के पानी में एक बार निचोड़ लिया कीजिए, ठीक है, तभी अच्छे से ब्लेंड होगा। और देखो ज़्यादा केक की सा भी बिल्कुल भी नहीं है, और तो ये काफ़ी अच्छा मेकअप मतलब मेकअप स्टिक एंड पैनकेक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सोचा था, एंड बाय।